बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही हेल्दी आपके साथ सैलड रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके साथ मैंने क्या सॉस ऐड किया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सैलड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले सैलड लीव्स लिए हैं। आप कोई भी सैलड लीव्स जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। इसको इस तरीके से छोटे छोटे कट कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से बीच में जो इसके स्टेम है उसको रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, उसमें सारे सैलेड के लीव्स जो हमने कट करके रखे थे वो ऐड कर दिए। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास चेरी टोमेटोज हैं, उसको मैं बीच में से इस तरीके से कट कर लूँगी। अगर आपके पास चेरी टोमेटोज नहीं है तो आप नॉर्मल टोमेटोज जो होते हैं उसको छोटे छोटे कट कर लें। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे बाउल में। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास शलजम है, एक शलजम है, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट करके डाल दिया है। साथ ही मेरे पास एक अदद गाजर थी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। साथ ही यहाँ पर मेरे पास प्याज है, उसको मैंने स्लाइस में रिंग स्लाइस में कट करके ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड करी है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने बंद गोभी ऐड की है। एक मैंने खीरा लिया था वो इस तरीके से क्यूब में कट करके ऐड कर दिया है। साथ ही यहाँ पर मैं ऑलिव्स ऐड कर रही हूँ, ऑलिव्स आप ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल आप जो भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। सारी सब्जियां हमने यहाँ पर कट कर ली हैं, इसको रखेंगे साइड पे। अब हम सॉस बना दे लेते हैं जिसकी वजह से हमारा सैलेड और मज़े का हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, साथ ही इसमें मैं नमक काली मिर्चें डालूंगी। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कर लीजिएगा। साथ ही इसके बाद यहाँ पर सिरका ऐड किया है थोड़ा सा बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर मैं इटालियन सॉस ऐड कर रही हूँ, ये भी थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर ऑरिगानो इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मुझे ऑलिव ऑयल कम लगा था, ऑरिगानो भी, तो मैंने ये सारी चीज़ें दोबारा ऐड की हैं, मिक्स कर लिया है। और ये अब हम सैलेड के ऊपर इसमें डाल देंगे अच्छे से, और इसको मिक्स करना है आपने ताकि सारा सॉस हर चीज़ में आ सके। सैलेड का इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में लीजिए। आप भले डाइटिंग कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन आपने सैलेड का इस्तेमाल रोज़ाना करना है। इससे आप एनर्जेटिक भी रहते हैं और बहुत सारे फ़वायदे हैं। तो यहाँ पर सैलेड हमारा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। ये देखिए, आप इसे ट्राई करेंगे एक बार तो ये पूरा बाउल आप बहुत आराम से खा लेंगे, जैसे कि मैंने इसको इंजॉय किया था। तो लीजिए, ज़बरदस्त सा यहाँ पर सैलेड हमारा रेडी है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।